अच्छा, आपको टोल टैक्स का नियम नहीं पता, आप प्रधान है? नहीं नहीं पता, प्रधान बोल रहे हैं, टोल टैक्स का नियम बताइए। ज्यादा भीड़ देखिए, टोल टैक्स का नियम बताओ। हम क्या बताएंगे, हम तो आम आदमी है। आम आदमी तो आप भड़क क्यों, हम इनके साथ हैं। आम आदमी होते तो आप ऐसे नहीं बोलते भैया, आप आम आदमी होते तो ऐसे नहीं बोलते। जो गांव का प्रधान है उसका कुछ रिस्पेक्ट होता है कि नहीं? अरे तो गांव के प्रधान है तो बात करिए, क्या परेशानी है? ठीक है, अच्छा एक बात बताते, ऐसे जाम में टोल टैक्स लेना तो अलाउ नहीं है, सरकार का नियम है कुछ की आपको इतना मिनट रहना, इतना सेकेंड रहना। हम इसको टोल के बारे में हमको कोई जानकारी है नहीं, मात्र आपको इस लाइन में 10 सेकंड रुकना है, अगर इससे ज्यादा आप रुकते हो तो ये आपका अधिकार है कि आप टोल ना दें। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर जो नियम है जरूर पढ़े, और हम नियम पर ही बात कर रहे हैं। हालांकि जब हम बात करने यहाँ पे आए तो पता नहीं कहाँ के प्रधान थे, कहाँ के लोग थे, कहाँ के आम नागरिक बोला जा रहा था, वो बहस करने लगे, वो प्रोटेक्ट करने लगे टोल टैक्स को, पता नहीं, हम नहीं जानते। लेकिन कहीं ना कहीं ये टोल टैक्स पर दादागिरी तो चलता है भैया। नियम नियम जानने के लिए आए, लेकिन कोई को नियम ही नहीं पता, कोई नियम बता ही नहीं पाया। जब पूछे कि आप ही बता दीजिए टोल टैक्स का नियम क्या है, वो बता ही नहीं पाया। प्रधान ही बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है नियम क्या है। तो जब आपको नियम पता ही नहीं है तो आप हमसे बात ही क्यों कर रहे हैं, बहस ही क्यों करें? मैनेजर को बुलाया गया, मैनेजर को बुलाया गया है, लेकिन मैनेजर यहाँ नहीं आए। बहुत परेशान करते हैं सब, टोल टैक्स वाले बहुत परेशान कर रहे हैं थोड़ा सा भैया। हमको रूल जानना है, कौन बताएंगे रूल? भैया रूल बताइए, रूल क्या है? मैनेजर साहब हमारे बताएंगे। नहीं, आप बताइए ना रूल। आप हमें 10-15 मिनट से खड़े किए हुए हैं, ये हमेशा होता है भैया? नहीं, मैं हमेशा मिनट हुआ था 15 मिनट से हम खड़े हैं। यहाँ पे सारा, यहाँ पे सारा टोल टैक्स इंगेज है, सारा उधर भी इंगेज है, हम दिखा देते हैं। थोड़ा सा मैनेजर, नहीं नहीं मैनेजर साहब से आप बात करवाइए, हम उससे थोड़ा सा रूल जानेंगे, हम जानेंगे। भैया यही के हैं, यही के हैं, मैनेजर साहब से मिल लीजिए। हम मैनेजर साहब से मिल लेंगे, थोड़ा सा हम भीड़ दिखा देते हैं। नहीं नहीं टोल टैक्स तो यहाँ पर ऐसे, हम टोल देने के लिए 15 मिनट आधे घंटे वेट तो नहीं कर सकते। यहाँ पे जितनी जनता है कोई वेट नहीं करेगी टोल टैक्स देने के लिए। ठीक है, सरकार ये हमें सुविधा देती है सड़क का, इसका मतलब ये नहीं कि हम आधा घंटा खड़े रहेंगे टोल देने के लिए। ये क्या, कौन बोले आधे घंटे रुकना पड़ेगा? आप थोड़ा मैनेजर साहब को भैया बुलाइए, हम बात करेंगे मैनेजर साहब को। और देखिए उधर भी पूरा इंगेज है, पीछे इंगेज है, ऐसे आप टोल कैसे ले सकते हैं? दिखाइए जरा, देखिए सारा उधर ट्रक लगा हुआ है, पीछे भी ट्रक लगा हुआ है, और ऐसे गवर्नमेंट टोल लेने के लिए अलाउ नहीं करती है। ठीक है, क्या आप इधर के हैं? यहीं के हैं। तो भैया आप एक बात बताइए, रूल आप लोग मुझे बता दीजिए, क्या रूल है? रूल 10 सेकंड से ज्यादा हम यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। किसी किसी गाड़ियों का वो काम नहीं करता है भैया, उसमें हमारी क्या गलती है? अब फास्ट उसमें हमारी क्या, ये जनता की क्या गलती है बस बता दीजिए, इसमें आम पब्लिक की क्या गलती है? गवर्नमेंट तो रूल निकाली है ना, आप ऐसे खड़ा किए हो, हम 10 से 15 मिनट पे देख रहे थे भैया कि यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे टोल टैक्स इंगेज है, यहाँ पे आम पब्लिक है, आम जन। आप लोग यहीं के हो? आप लोग यहीं के हो? आप लोग इधर ही के हो? आप लोग कुछ बोलोगे नहीं अगर इधर के हो तो? हम आम जनता से बात करेंगे। उधर भी पूरा भीड़ है ना, अभी ट्रक वाला, ट्रक वाला, हाँ थोड़ा सा ये भी दिखाइए, क्या? नहीं नहीं देखिए ना, देखिए उधर सारा इंगेज है टोल टैक्स। और अभी हम कुशीनगर जा रहे थे, ये रास्ता है कुशीनगर का, टोल टैक्स हम लोग हमेशा देते हैं, हमेशा टोल टैक्स देते हैं, 1-1 हज़ार 1.5 हज़ार एक दिन का हमारा टोल टैक्स चला जाता है। और ऐसे में हम लोग वेट करते हैं कि अब हमारी बारी कब आएगी, अभी हमारा नंबर कब आएगा। देखिए ऐसे वेट करवा करवा के, देखिए ना पीछे भीड़ दिखाइए, आखिर ये इंगेज क्यों रहता है, क्यों यहाँ पे टोल टैक्स वाले जो यहाँ मैनेजमेंट है वो बढ़िया क्यों नहीं होता? हम आज रूल बताते हैं, यहाँ पे रूल क्या है, रूल थोड़ा सा मैनेजर साहब से बात कर लेते हैं। देखिए हम अभी माइक निकाले हैं तो सारा यहाँ पर सुविधा दिखाया जा रहा है, और गाड़ियों को बाहर निकाला गया है। ठीक है, ये तो इनका ये कहना था, या जो मैनेजमेंट करते हैं भैया जी कह रहे थे कि आधा घंटा वेट करना पड़ेगा लेकिन टोल टैक्स देना पड़ेगा। लाइट है, लाइट निकालिए। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड,
या तो बात करने दीजिए ना, तो आप बात कीजिए। नहीं नहीं, आप इंट्रोडक्शन पहले दीजिए, इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ये पूछिए तो बताएं यहाँ सर आप, ठीक है लोकल यहाँ पे है? नहीं टोल टोल पे नहीं है, टोल पे नहीं। अरे अभी यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कितना जाम में लोगों से टोल टैक्स लिया जा रहा है। अच्छा आप एक बात बताइए, देखिए बहस नहीं करना ठीक है, क्यों नहीं बात करेंगे सर? हम तो बात कर ही रहे थे ना, हम तो बात कर, हम रहने दीजिए उनको बोलने दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ऐसे जाम में टोल टैक्स लेना तो अलाउ नहीं है, सरकार का नियम है कुछ की आपको इतना मिनट रहना है, इतना सेकंड रहना है। हम इसको टोल के बारे में हमको कोई जानकारी है नहीं, ले आप पूछे हैं, आप बात कर रहे हैं तो हम बात किए, मान लीजिए अगर अरे प्रधान जी है कोई मुख्यमंत्री नहीं है, बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अच्छा आपको टोल टैक्स का नियम नहीं पता, आप प्रधान हैं? नहीं नहीं आप प्रधान बोल रहे हैं, टोल टैक्स का नियम बताइए, ज्यादा भीड़ देखे टोल टैक्स का नियम हम क्या बताएंगे, हम तो आम आदमी है, आम आदमी तो आप भड़क क्यों, हम इनके साथ हैं, आम आदमी होते तो आप ऐसे नहीं बोलते भैया, आप आम आदमी होते तो ऐसे नहीं बोलते, जो गांव का प्रधान है उसका कुछ रिस्पेक्ट होता है कि नहीं? अरे तो गांव के प्रधान है तो बात करिए, क्या परेशानी है? सलेमगढ़ है और इधर से कुशीनगर जाएंगे और ये देखिए ये ऐसे टोल टैक्स लिया जा रहा है। दोस्तों देखिए ये मैं नहीं कह रही, ये जनता परेशान है इस टोल टैक्स वालों से, क्योंकि जबरन कहीं ना कहीं वेट करवा के और टोल लिया जाता है, ये फैक्ट बात है ठीक है। और हम भी परेशान है, हर दिन ट्रैवल करना रहता है और मतलब आधा घंटा अगर आप रुक कर टोल दोगे तो आपको कैसा लगेगा ये बताइए। नहीं आप लोग, भैया आप लोग अगर इधर के हो तो आप नियम बता दो, अगर आप पढ़े लिखे हो टोल टैक्स पे काम करते हो तो नियम बता दो। अरे भैया लड़ क्यों रहे हैं? देखिए सब लोग परेशान है, ऐसी बात नहीं है ठीक है। मैनेजर साहब बात करने तो आए नहीं, कहा मैनेजर साहब तो बात करने आए नहीं, थोड़ा सा नियम ही बता देते। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नियम है कि अगर आप टोल टैक्स देते हो तो कितना सेकंड आपको रुकना है, कितना मिनट रुकना है, आपको आधे घंटे रुकवा कर कोई टोल टैक्स नहीं ले सकता। और ये देखिए मतलब पूरा इंगेज है, पूरा इंगेज है, पीछे वाले लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हमको किस टोल टैक्स पे जाना है। देखिए हम टैक्स दे रहे हैं, बहुत ईमानदारी से कमाते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक घंटा आधे घंटे तक रुकवा के हमसे टैक्स ले। और ये सरकार का नियम है कि 10 सेकंड मात्र आपको इस लाइन में 10 सेकंड रुकना है, अगर इससे ज्यादा आप रुकते हो तो ये आपका अधिकार है कि आप टोल ना दें ठीक है। तो ये स्क्रीन पर जो नियम है जरूर पढ़े, और हम नियम पर ही बात कर रहे हैं। हालांकि जब हम बात करने यहाँ पे आए तो पता नहीं कहाँ के प्रधान थे, कहाँ के लोग थे, कहाँ के आम नागरिक बोला जा रहा था, वो बहस करने लगे, वो प्रोटेक्ट करने लगे टोल टैक्स को, पता नहीं हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं ये टोल टैक्स पर दादागिरी तो चलता है भैया। नियम जानने के लिए आए लेकिन कोई को नियम ही नहीं पता, कोई नियम बता ही नहीं पाया, जब पूछे कि आप ही बता दीजिए टोल टैक्स का नियम क्या है वो बता ही नहीं पाया। प्रधान ही बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता है नियम क्या है, तो जब आपको नियम पता ही नहीं है तो आप हमसे बात ही क्यों कर रहे हैं, बहस ही क्यों करें। मैनेजर को बुलाया गया, मैनेजर को बुलाया गया है लेकिन मैनेजर यहाँ नहीं आए, वहाँ पे जितने मैनेजमेंट टीम है वो लोग भी हमसे बात नहीं की। और देखिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो अब धीरे धीरे चीजों गाड़ियों को बढ़ाया जा रहा है ठीक है। यहाँ पर हमें देख करके गाड़ियों की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है, पूरा लेन खोल दिया गया है, अब गाड़ी को निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टोल टैक्स पे दादागिरी तो होती है। भैया कमेंट कीजिएगा आपकी राय क्या है, टोल टैक्स पे आपके साथ कितना दादागिरी होता है?